नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपसे दो प्राणायाम के बारे में बातें करूंगा जो कि स्पेशली गर्मियों के लिए है, और अगर हम इन प्राणायाम को अपने योगा अभ्यास को करने के बाद इन दो प्राणायाम को करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर ठंडक पहुँचाती है, थोड़ी सी कूलनेस, थोड़ी सी कामनेस हमारे शरीर में बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं कि ये दो प्राणायाम कौन से हैं। तो पहला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। तो जैसे कि हम नाम से ही जानते हैं शीतली, तो शीतल यानी कि जो चीज़ हमें ठंडक पहुंचाए या जो चीज़ हमें ठंडक दे उसको हम शीतली कहते हैं। तो अब शीतली प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले तो आप किसी भी मेडिटेटिव पोज में, जिसमें भी बैठ करके आप कंफर्टेबल हैं, जिस पोजीशन में हम उस पोजीशन में बैठते हैं, तो कंफर्टेबली हम पद्मासन या सुखासन या वज्रासन, किसी भी आसन जो कि मेडिटेटिव आसन होते हैं जिसमें हम शांति से बैठते हैं, हमारी पीठ कमर गर्दन सीधी होती है, तो हम शीतली प्राणायाम के लिए भी इसी आसन में बैठेंगे। अपने हाथों को, अपने थंब को अपने इंडेक्स फिंगर से टच करके अपने घुटनों पर रख लें आराम से। अपनी पीठ कमर गर्दन को सीधा रखते हुए बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स। इसके बाद हम अपनी टंग को बाहर निकालेंगे, अपनी जबान को बाहर निकालें अपने मुंह से और उसको रोल करना है। तो हम अपनी जबान को जितना बाहर निकाल सकें और जितना उसको हम गोल कर सकते हैं उसको उतना गोल करेंगे। इस प्रकार से अपने मुंह से सांसों को अंदर भरना है, फ्रॉम योर टंग अपने जबान से हम इनहेल करेंगे, उसके बाद हम अपने मुंह को बंद करेंगे और एक्सहेल करेंगे। इस प्रकार हम अपने टंग को रोल करके अपने जबान से सांसों को अंदर भरते हुए 5 से लेकर 10 बार तक एक सेट में प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से हम 2 से 3 सेट एक दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जब हम सांस को अंदर भरते हैं तो ये हमारे अंदर धीरे धीरे कूलिंग सेंसेशन महसूस होता है और ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा। इस प्राणायाम को आप कभी भी सर्दियों में ट्राई ना करें, इस प्राणायाम को हमेशा गर्मियों में किया जाता है, मौसम गर्म होता है और हमारे शरीर को थोड़े से ठंडक की आवश्यकता होती है। हमारा दूसरा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। तो जैसे कि नाम से हम फिर से समझ सकते हैं कि शीतकारी प्राणायाम ये भी हमारे शरीर में शीत यानी ठंडी हवा का संचालन करता है। इस प्रकार हम अपने दांतों को लगाते हैं हल्के से, होठों को अपने एक दूसरे से दूर और अपने दांतों से सांसों को अंदर भरना है, लंबा गहरा सांस और फिर अपने नाक से धीरे धीरे एक्सहेल आउट करेंगे। तो वो भी हम इस प्रकार करेंगे। इसमें जब हम सांसों को अंदर अपने खींचते हैं तो हमारे दांतों से जो हवा अंदर जा रही है उसे एक हिसिंग साउंड, एक हिस अंदर जाने की आवाज़ जो है सांसों की वो आनी चाहिए। और ये जब हवा हमारे अंदर जाती है तो हमारे शरीर को, हमारे जो शरीर का तापमान है उसको बनाए रखती है, उसको ठंडा रखती है और गर्मियों से जो होने वाली परेशानी है, जो हमें गर्मी महसूस होती है उसमें बहुत राहत मिलती है। हम अपने शरीर का जो टेम्परेचर है, हमारे शरीर का जो तापमान है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन लोग इस प्राणायाम को ना करें या जिनके लिए ये प्राणायाम बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिनको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है या जिनको कोई किसी भी प्रकार की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड एक्सेसिव म्यूकस, नाक बंद होती है, हमारे सांस लेने में दिक्कत होती है, हम सही से अपने दोनों नॉस्ट्रिल से बराबर सांस को अंदर नहीं ले जा सकते, तो ये लोग इस प्राणायाम को बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करें।
दूसरी बात, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्दियों के दौरान जब मौसम ठंडा होता है उस दौरान हमें शीतली और शीतकारी प्राणायाम को नहीं करना है। जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है वो भी इस प्राणायाम को अवॉइड करें। तो अगर आप अपने योगा अभ्यास के साथ में ये दो प्राणायाम जोड़ लेते हैं तो ये प्राणायाम आपके शरीर का जो तापमान है इसको बहुत ही नॉर्मल रखेगा। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है तो उस दौरान हम अपने शरीर का जो तापमान है उसको अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, उसको हम अपने कंट्रोल में रहते हैं और गर्मियों में बहुत हमें राहत मिलती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दो प्राणायाम अच्छे लगे होंगे, आप अपने योगा अभ्यास में इसको ज़रूर जोड़ेंगे और इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो फ़ायदे हैं उसका आप लाभ ज़रूर उठाएंगे। और अगर आपको ये प्राणायाम अच्छे लगे, आपके लिए कोई नई सीख है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने और अपने साथियों से शेयर करें। धन्यवाद।